तो आज ये ब्लैक पॉकी वर्कआउट सीरीज में थर्ड वीडियो होने वाला है। दो वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं, आप उसको प्ले स्टोर में आकर देख सकते हैं ना। तो थर्ड वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ईडियम्स, आगे के ईडियम्स अपने। तो पहला क्या हमारा आज, लीव नो स्टोन अनटर्न या फिर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, ना हर तरह का प्रयास करना है, हर तरह के जो पॉसिबल है आपके लिए वो आप सारे प्रयास करना किसी चीज को अचीव करने के लिए। टू अचीव समथिंग, टू ट्राई आउट एवरीथिंग टू अचीव समथिंग, है ना, हर तरह का प्रयास करना, उसको बोलते हैं लिविंग नो स्टोन अनटर्न। तो हिंदी क्या होगी इसकी, या फिर और मीनिंग क्या हो सकता है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हर तरह का प्रयास करना, या टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, एक सेम बात है। हिंदी क्या होगी, खून पसीना एक करना है फिर हर मुमकिन प्रयास करना, खून पसीना एक करना है फिर हर मुमकिन प्रयास करना। नेक्स्ट क्या हमारा, सी आई टू आई, तो सी आई टू आई मतलब बीन फुल एग्रीमेंट, किसी से फुल एग्री करना है, पूर्णतः सहमत होना, उसको बोलते हैं आई टू आई फिर सी आई टू आई। बाकी इसके और मीनिंग क्या हो सकते हैं, बीन फुल एग्रीमेंट या फिर एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एग्री होना। हिंदी क्या होगी हमारी, पूर्णतः सहमत होना है, पूरी तरीके से सहमत होना। थर्ड हमारा क्या है, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट उजागर करना या फिर सीक्रेट को रिवील कर देना, किसी के सामने कोई सीक्रेट को लीक कर देना या फिर पोल खोल देना, उसको बोलते हैं ही हैज स्पिल द बीन्स, सारा खेल बिगाड़ दिया फिर मतलब इसके मुंह से बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। तो स्पिल द बीन्स, टू लीक अ सीक्रेट या फिर रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, है ना, अनजाने में होता है सारा काम, अनजाने में भेद खोल देना, स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर तरीके से साथ देना या फिर हर सिचुएशन में साथ देना, चाहे वो बैड सिचुएशन हो या फिर अच्छी सिचुएशन हो, हर तरीके से आपका साथ देता, तो बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी ऑल द सर्कमस्टांसेस इन ऑल द सिचुएशंस। तो मैं लिखा है सपोर्ट अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, मतलब सिचुएशंस होती हैं। नेक्स्ट क्या है, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, जब हमारा अच्छा वक्त हो तब भी साथ देगा और जब बुरा वक्त हो तब भी हमारा साथ दे, तो उसमें बोलते हैं ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, हिंदी मतलब हर हाल में, तो हर हाल में सपोर्ट करना है फिर हर हाल में साथ देना। नेक्स्ट हमारा, टू ईट अ हम्बल पाए, टू ईट अ हम्बल पाए, तो इसका मतलब हार मान लेना है फिर डिफीट को मान लेना, टू एक्सेप्ट द डिफीट, उसको बोलते हैं ही हैज ईटन ए हम्बल पाए, फिर नाक अगड़ना है, मुंह की खाना है ना, हमें पता है तुम इसे नहीं जीत पाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, यू हैड यू हैव टू ईट अ हम्बल पाए। तो इसकी और मीनिंग क्या हो सकते हैं, टू एक्सेप्ट डिफीट या फिर सफर ह्यूमिलेशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, प्रेशर में दबना पड़ेगा या फिर झुकना पड़ेगा, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, ये एडमिट कर लें कि आप जो है रॉन्ग थे या फिर रॉन्ग हो। तो हिंदी क्या होगी इसकी, नाक रगड़ना या फिर हार मानना। नेक्स्ट हमारा, टू एंड इन स्मोक, सब धुएं उड़ा देना है फिर जिंदगी बर्बाद कर लेना, ना आपने बहुत सारी कोशिश कर ली कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा था, तो बोलते हैं ही हैज एंडेड हिज लाइफ इन स्मोक, है ना, बोलते भी हैं लोग बाग कि ही हैज एंडेड हिज लाइफ इन स्मोक, सारी लाइफ जो है धुएं उड़ा दी, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसे सिगरेट वगैरह फिर सिगार जो भी होता है वो सारा वो पिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, है ना। वैसे भी बहुत सारे नॉर्मली भी बोल सकते हैं, जैसे हमने कुछ काम किया, पढ़ाई लिखाई करी पहले हमने, फिर बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, कहीं भी मतलब सफल नहीं हो पाए इतने, है ना, तो कोई भी जो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आया फाइनल रिजल्ट, तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज ऑल ही हैज एंडेड हिज लाइफ इन स्मोक, कोई भी ऐसा प्रॉफिट ना होना एट द एंड, तब हम ये बात बोलते हैं। टू एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग, है ना, या फिर एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के अंत हो जाना, रिजल्ट नो रिजल्ट, हिंदी क्या होगी, धुएं में उड़ाना या फिर कोई परिणाम ना निकलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स मतलब मुर्दे में जान डालना, तो मुर्दे में जान डालने का मतलब होता है टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, जिससे करने कोई फायदा नहीं है, ऐसी सिचुएशंस को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उस पे काम करने से, उस पे एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा, ठीक है। तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर असंभव काम कर रहा, है ना, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल उसको करने का प्रयत्न करना फिर कोशिश करना, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को आप अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उस पे एनर्जी वेस्ट करना, तो उसको बोलते हैं टू फ्लो का डेड हॉर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब, टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैब, तो यहाँ पे गैब का मतलब कहीं ना कहीं होता है माउथ, जो माउथ को यूज करने में अच्छा है या फिर उसका बोलने का लहजा या बोलने का तरीका अच्छा है, इज अ गुड स्पीकर, है ना, या फिर वक्ता, तो अच्छा वक्ता फिर अच्छा स्पीकर होना, उसे ही बोलते हैं ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब, जैसे हमारे मोदी जी, तो उनके बोलने की जो कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, वो काफी अच्छी है, अच्छे तरीके से लोगों को मना लेते हैं, तो यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जाम्पल लिया है मैंने, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्य पटुता मतलब जो अच्छा स्पीकर है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग या स्पीक वेरी वेल टू बी एलुकेंट, एलुकेंट मतलब टॉकेटिव या फिर अच्छा वक्ता। नेक्स्ट हमारा, टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो लाइंस में छुपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग, उसको भी पढ़ लेना, कोई भी आपको बोलता है बुक पढ़ने के लिए, चाहे वो SST की हो, साइकोलॉजी की, कोई बुक हो, तो हमेशा लोग बोलते हैं कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, आपको लाइंस के बीच का मीनिंग भी गेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो सिर्फ लिखा आप उसको पढ़े जा रहे हो ये तो सब रट्टाबाजी हो गया, फिर जैसे आप गो थ्रू हो रहे हो ना, समझ इतना नहीं आएगा, अगर आपको डीपली मीनिंग समझना है तो यू हैव टू रीड बिटवीन लाइंस, आपको जो हिडन मीनिंग है यहाँ पर वो भी समझना पड़ेगा, मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग,
यू विल फाइंड मोर मीनिंग दैट द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, जितना वर्ड्स में दिख रहा है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, जो भी इसमें छुपा हुआ समझना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। नेक्स्ट हमारा अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, इसके बारे में सोच रहा था कि ये जीत जाएगा और अचानक से आगे वो जीत जाए तो उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, ये तो डार्क हॉर्स निकला है ना। हिंदी क्या होगी इसकी, अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, जिसको किसी ने मतलब अंदर से भी लगाया था कि ये जीतेगा है ना और वो जीत जाए तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता। तो इसके और वर्ड क्या हो सकते हैं हमारे, एन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, अ कंप्यूटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, जिसकी कैपेबिलिटी को लोगों को शक था कि जीत नहीं सकता और वो आकर जीत जाए तो उसको हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज के मैं 10 देख लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।